अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान अब सेक्युलर पॉलिटिक्स की अलग राह पर जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी पहल की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जिन्होंने गुजरात में सॉफ्ट हिंदुत्व का नारा दिया था। पहली बार 8 सिविल लाइन्स में शबद कीर्तन का संसार सजा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव पर मुख्यमंत्री आवास से गंगा जमनी संस्कृति से लबरेज भक्ति रस की सरिता बहाई गई। सरकार भी अध्यात्म से ओतप्रोत नजर आई। देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव थे गुजरात के, कांग्रेस के चुनाव प्रचार का जिम्मा था अशोक गहलोत के पास। उस समय बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को आगे रखते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व का मॉडल इजाद किया। राहुल गांधी उस समय मठ, मंदिर और आश्रमों में गए और चुनावी सियासत की अलग धारा बहाई। इसी मॉडल की वजह से बीजेपी को उसके गढ़ गुजरात में कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी। राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही अशोक गहलोत ने अलग सियासी धारा पर चलने की ठानी। सरकार में आने के बाद से ही यह एहसास कराने वो लग गए थे। धर्म जाति की राजनीति उनके निशाने पर हमेशा रही, साथ ही एक ऐसी राजनीति पर चलने का इरादा उन्होंने जता दिया जिसका संदेश सर्वधर्म सद्भावना का हो। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जब सुना कि मुख्यमंत्री आवास पर कीर्तन दरबार लगा तो एक बार सब चकित रहे, लेकिन उन्हें अशोक गहलोत की कार्यशैली का अंदाजा है, लिहाजा जान गए कि मुख्यमंत्री क्या संदेश देने वाले हैं। राजस्थान का सिख समाज बेहद प्रफुल्लित था जब शबद कीर्तन की गूंज 8 सिविल लाइन्स में सुनाई थी। सियासत को कुछ पलों के लिए भूलकर राजनेता और ब्यूरोक्रेसी गुरु नानक देव जी की अमृतवाणी में खो गए। अब भक्ति रस की गहलोत परंपरा का राजस्थान में उदय हो गया है। शबद के बाद राम नाम की गूंज भी सुनाई देगी तो सूफियाना पैगाम भी। ये वही गहलोत हैं जिन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में राजस्थान में गांधी कथा कराई थी। मजहबी सियासत के खिलाफ सदैव वो रहे हैं, साथ ही संघ और बीजेपी के सिद्धांतों पर चोट करना उनका शगल रहा है। गहलोत की ये नई परंपरा संभव है अपने धुर राजनीतिक विरोधियों पर निशाना हो। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।